नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना रहमत-ए-खुदावंदी के फूल। आइए सुनते हैं अफसाना रहमत-ए-खुदावंदी के फूल। ज़मींदार अखबार में जब डॉक्टर राठर पर रहमत-ए-खुदावंदी के फूल बरसते थे तो यार दोस्तों ने ग़ुलाम रसूल का नाम डॉक्टर राठर रख दिया। मालूम नहीं क्यों, इसलिए कि ग़ुलाम रसूल को डॉक्टर राठर से कोई नस्बत नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो MBBS में 3 बार फेल हो चुका था, मगर डॉक्टर राठर कहाँ ग़ुलाम रसूल। डॉक्टर राठर एक इश्तहारी डॉक्टर था जो इश्तहारों के ज़रिए कुव्वत मर्दी की दवाएं बेचता था और ख़ुदा और उसके रसूल की कस्में खा खा कर अपनी दवाओं को मुजर्रब बताता था और यूँ सैकड़ों रुपए कमाता था। ग़ुलाम रसूल को ऐसी दवाओं से कोई दिलचस्पी न थी। वो शादीशुदा था और उसको कुव्वत मर्दी बढ़ाने वाली चीज़ों की कोई हाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके यार दोस्त उसको डॉक्टर राठर कहते थे। इस कायाकल्प को उसने तस्लीम कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके कर लिया था इसलिए कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था। उसके बाद दोस्तों को यह नाम पसंद आ गया और यह ज़ाहिर है कि ग़ुलाम रसूल के मुकाबले में डॉक्टर राठर कहीं ज़्यादा मॉडर्न है। डॉक्टर राठर में बेशुमार खूबियाँ थी। सबसे बड़ी खूबी उसमें यह थी कि वो डॉक्टर नहीं था और न बनना चाहता था। वो एक इतातमंद बेटे की तरह अपने माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था। इतने अरसे से कि जब अब कॉलेज की इमारत उसकी ज़िंदगी का एक जुज़ बन गई थी। वो समझने लगा था कि कॉलेज उसके किसी बुज़ुर्ग का घर है जहाँ उसको हर रोज़ सलाम अर्ज करने के लिए जाना पड़ता है। उसके वालदैन मुसर थे कि वो डॉक्टरी पास कर ले। उसके वालदैन को यकीन था कि वो एक कामयाब डॉक्टर की सलाहियतें रखता है। अपने बड़े लड़के के मुतालिक मौलवी मिसबाहुद्दीन ने अपनी बीवी से पेशेंगोई की थी कि वो बैरिस्टर होगा। चुनांचे जब उसको LLB पास करा के लंदन भेजा गया तो वो बैरिस्टर बनकर ही आया। ये अलहदा बात है कि उसकी प्रैक्टिस दूसरे बैरिस्टरों के मुकाबले में बहुत ही कम थी। को डॉक्टर राठर 3 मरतबा MBBS के इम्तहान में फेल हो चुका था, मगर उसके बाप को यकीन था कि वो अंजाम कार बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। और डॉक्टर राठर अपने बाप का इस कदर फरमा बरदार था कि उसको भी यकीन था कि एक रोज़ वो लंदन के हार्ले स्ट्रीट में बैठा होगा और उसकी सारी दुनिया में धूम मची होगी। डॉक्टर राठर में बेशुमार खूबियाँ थी। एक खूबी ये भी थी कि सादा लौ था, लेकिन सबसे बड़ी बुराई उसमें यह थी कि पीता था और अकेला पीता था। शुरू में तो उसने बहुत कोशिश की कि अपने साथ किसी और को ना पिलाए, लेकिन यार दोस्तों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। उनको उसका ठिकाना मालूम हो गया। सेवाए बार में शाम को 7 बजे पहुंच जाते, मजबूरन डॉक्टर राठर को उन्हें अपने साथ पिलाना पड़ती। ये लोग उसका गुण गाते, उसके मुस्तकबिल के मुतालिक बड़ी हौसला अफजा बातें करते। राठर नशे की तरंग में बहुत खुश होता और अपनी जेब खाली कर देता। 5-6 महीने इसी तरह गुजर गए। उसको अपने बाप से 200 रुपये माहवार मिलते थे, रहता अलग था। मकान का किराया 20 रुपये महाना था। दिन अच्छे थे, वरना रात्रि की बीवी को फाके खींचने पड़ते।
लेकिन फिर भी उसका हाथ तंग हो गया, इसलिए कि रातर को दूसरों को पिलाना पड़ती थी। उन दिनों शराब बहुत सस्ती थी, 8 रुपए की एक बोतल, आधा 4 रुपए 8 आने में मिलता था। मगर हर रोज एक आधा लेना ये डॉक्टर के बिसात से बाहर था। उसने सोचा कि घर में पिया करे, मगर ये कैसे मुमकिन था? उसकी बीवी फौरन तलाक ले लेती। उसको मालूम ही नहीं था कि उसका खाविन शराब का आदि है। उसके अलावा उसको शराबियों से सख्त नफरत थी, उनसे बहुत खौफ आता था। किसी की सुर्ख आंखें देखती तो डर जाती, हाय डॉक्टर साहब कितनी डरावनी आंखें थी उस आदमी की, ऐसा लगता था कि शराबी है। और डॉक्टर रातर दिल ही दिल में सोचता कि उसकी आंखें कैसी हैं, क्या पीकर आंखों में सुर्ख डोरे आते हैं, क्या उसकी बीवी को उसकी आंखें अभी तक सुर्ख नजर नहीं आई, बीवी ने कभी नहीं सूंघी। फिर वो सोचता, नहीं मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ, मैंने हमेशा मुंह परे करके उससे बात की है। एक दफ़ा उसने पूछा था, आपकी आंखें आज सुर्ख क्यों हैं? तो मैंने उससे कहा था, धूल पड़ गई है। इसी तरह एक बार उसने दरियाफ्त किया था, ये बू कैसी है? तो मैंने ये कहकर टाल दिया था, सिगार पिया था, बहुत बू होती है कमबख्त में। डॉक्टर राथर अकेला पीने का आदि था, उसको साथी नहीं चाहिए थी, वो कंजूस था। उसके अलावा उसकी जेब भी इजाज़त नहीं देती थी कि दोस्तों को पिलाए। उसने बहुत सोचा कि ऐसी तरकीब क्या हो सकती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी ये मसला कुछ इस तरह हल हो कि घर में पिया करे, जहाँ उसके दोस्तों को शिरकत करने की जरूरत नहीं हो सकती। डॉक्टर राथर पूरा डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टरी की चंद चीज़ों का इल्म ज़रूर था। वो इतना जानता था कि दवाएं बोतलों में डाल कर दी जाती हैं और उनमें अक्सर ये लिखा होता है, शेक दी बॉटल बिफोर यूज़। उसने इतने इल्म पर अपनी तरकीब की दीवारें इस्तवार की। आखिर में बहुत सोच विचार के बाद उसने ये सोचा कि वो घर में ही पिया करेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो दवा की बोतल में शराब डलवा कर घर रख देगा, बीवी से कहेगा उसके सर में दर्द है, और उसके उस्ताद डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह ने अपने हाथों से यह नुस्खा दिया है और कहा है कि शाम को हर 15 मिनट के बाद एक खुराक पानी के साथ पिया कर इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। यह तरकीब तलाश कर लेने पर डॉक्टर राथर बेहद खुश हुआ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने यूं महसूस किया जैसे उसने एक नया अमरीका दरियाफ्त कर लिया है। चुनांचे सुबह सवेरे उठकर उसने अपनी बीवी से कहा, नसीमा आज मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है फट जाएगा। नसीमा ने बड़े तरद्दुद से कहा, कॉलेज न जाइए आज? डॉक्टर राथर मुस्कुराया, पगली आज मुझे ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह साहब से पूछूंगा, उनके हाथ में बड़ी शफा है। हाँ हाँ ज़रूर जाइए, मेरे मुतालिक भी उनसे बात कीजिएगा। नसीमा को सैलानुर रहम की शिकायत थी, जिससे डॉक्टर राथर को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसने कहा, हाँ हाँ बात करूँगा, मगर मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए कोई नहायत ही कड़वी और बदबूदार दवा तजवीज़ करेंगे। आप खुद डॉक्टर हैं, दवाएं मिठाइयां तो होती नहीं, अब देखिए तो सही कैसी दवा देते हैं, अभी से क्यों राय कायम कर रहे हैं आप? अच्छा
कहकर डॉक्टर राठर अपने सर को दबाता कॉलेज चला गया। शाम को दवा की बोतल में विस्की डलवा कर ले आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर सैयद रमजान अली शाह जरूर कोई ऐसी दवा लिख कर देंगे जो बेहद कड़वी और बदबूदार होगी, लो जरा इसे सुनो। बोतल का कॉक हटाकर उसने बोतल का मुंह अपनी बीवी के नाक के साथ लगा दिया। उसने सूंघा और एकदम नाक हटाकर कहा, बहुत वाहियात सी बू है, आप ऐसी दवा कौन पिए? नहीं नहीं आप जरूर पिएंगे, सर का दर्द कैसे दूर होगा, हो जाएगा अपने आप कैसे दूर होगा, यही तो आपको बुरी आदत है, दवा लाते हैं मगर इस्तेमाल नहीं करते। अरे ये भी कोई दवा है, ऐसा लगता है शराब है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी दवाओं में शराब हुआ करती है, लानत है ऐसी दवाओं पर। डॉक्टर राठर की बीवी ने खुराक के निशान देखे और हैरत से कहा, इतनी बड़ी खुराक? डॉक्टर राठर ने बुरा सा मुंह बनाया, यही तो मुसीबत है। आप मुसीबत मुसीबत ना कहें, अल्लाह का नाम लेकर पहली खुराक पिए, पानी कितना डालना है? डॉक्टर राठर ने बोतल अपनी बीवी के हाथ से ली और मसनूई तौर पर बादले नाखास्ता कहा, सोडा मंगवाना पड़ेगा, अजीब व गरीब दवा है, पानी नहीं सोडा। यह सुनकर नसीमा ने कहा, सोडा इसलिए कहा होगा कि आपका मेदा खराब है, खुदा मालूम क्या खराब है। ये कहकर डॉक्टर राठर ने एक खुराक गिलास में डाली। भाई खुदा की कसम मैं नहीं पीऊँगा, बीवी ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे नहीं नहीं पी जाइए, नाक बंद कर लीजिए, मैं इसी तरह फीवर मिक्सचर पिया करती हूँ। डॉक्टर राठर ने बड़े नखरों के साथ शाम का पहला पैक पिया। बीवी ने उसको शाबाशी दी और कहा, 15 मिनट के बाद दूसरी खुराक, खुदा के फजल करम से दर्द यूँ चुटकी में दूर हो जाएगा। डॉक्टर राठर ने सारा ढोंग कुछ ऐसे खुलूस से रचाया था कि उसको महसूस ही नहीं हुआ कि उसने दवा के बजाय शराब पी है। लेकिन जब हल्का सा सुरूर उसके दिमाग में नमूदार हुआ तो वो दिल ही दिल में खूब हंसा, तरकीब खूब थी। उसकी बीवी ने ऐन 15 मिनट के बाद दूसरी खुराक गिलास में उंडेली और उसमें सोडा डाला और डॉक्टर राठर के पास ले आई, ये लीजिए दूसरी खुराक, कोई ऐसी बुरी बू तो नहीं है। डॉक्टर राठर ने ग्लास पकड़ा, बड़ी बददिली से कहा, तुम्हें पीना पड़े तो मालूम हो, खुदा की कसम शराब की सी बू है, जरा सूंघ कर तो देखो, आप तो बिल्कुल मेरी तरह जिद करते हैं। नसीमा, खुदा की कसम जिद नहीं करता, जिद का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, लेकिन खैर ठीक है। ये कहकर डॉक्टर राठर ने ग्लास मुंह से लगाया और शाम का दूसरा पैक घटाघट चढ़ा गया। 3 खुराकें ख़त्म हो गई। डॉक्टर राठर ने किसी कदर अफाका महसूस किया, लेकिन दूसरे रोज फिर सर में दर्द और कराया। डॉक्टर राठर ने अपनी बीवी से कहा, डॉक्टर सैयद रमजान अली शाह ने कहा है कि यह मर्ज आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा, लेकिन दवा का इस्तेमाल बराबर जारी रहना चाहिए, खुदा मालूम क्या नाम लिया था उन्होंने बीमारी का, कहा था कि मामूली सर का दर्द होता तो 2 खुराकों से ही दूर हो जाता, मगर तुम्हारा केस ज़रा सीरियस है। सुनकर नसीमा ने तरद्दुद से कहा, तो आपको तो दवा बाकायदा पीनी पड़ेगी, मैं नहीं जानता, तुम वक्त पर दे दिया करोगी तो कहर दरवेश पर जान दरवेश पी लिया करूँगा। नसीमा ने खुराक सोडे में हल करके उसको दी
उसकी बू नाक में घुसी तो मतली आने लगी, मगर उसने अपने खाविन पर कुछ जाहिर ना होने दिया क्योंकि उसको डर था कि वो पीने से इनकार कर देगा। डॉक्टर राथर ने 3 खुराकें अपनी बीवी की बीवी के बड़े इसरार पर ली। वो बहुत खुश थी कि उसका खाविन उसका कहा मान रहा है, क्योंकि बीवी की बात मानने के मामले में डॉक्टर बहुत बदनाम था। कई दिन गुजर गए, खुराकें पीने और पिलाने का सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर राथर बड़ा मसरूर था कि उसकी तरकीब सूदमंद साबित हुई। अब उसे दोस्तों का कोई खदशा नहीं था, हर शाम घर में बसर होती, एक खुराक पीता और लेट कर कोई अफसाना पढ़ना शुरू कर देता, दूसरी खुराक एंड 15 मिनट के बाद उसकी बीवी तैयार करके ले आती, इसी तरह तीसरी खुराक उसको बिन मांगे मिल जाती। डॉक्टर राथर बेहद मुतमईन था। इतने दिन गुजर जाने पर उसके और उसकी बीवी के लिए ये दवा का सिलसिला एक मामूल हो गया था। डॉक्टर राथर अब एक पूरी बोतल ले आया, उसका लेबल वगैरह उतार कर उसने अपनी बीवी से कहा, केमिस्ट मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा आप हर रोज 3 खुराकें लेते हैं, दवा आपको यूँ महंगी पड़ती है, पूरी बोतल ले जाइए, इसमें से छोटी निशानों वाली बोतल में हर रोज 3 खुराकें डाल लिया कीजिए, बहुत सस्ती पड़ेगी, इस तरह आपको ये दवा। ये सुनकर नसीमा को खुशी हुई कि चलो बचत हो गई। डॉक्टर राथर भी खुश था कि उसके कुछ पैसे बच गए, क्योंकि रोज़ाना 3 पैग लेने में उसे ज़्यादा दाम देने पड़ते थे और बोतल 8 रुपये में मिल जाती थी। कॉलेज से फारिग होकर डॉक्टर राथर एक दिन घर आया तो उसकी बीवी लेटी हुई थी। डॉक्टर राथर ने उसे कहा, नसीबा खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। नसीमा ने कुछ अजीब से लहजे में कहा, खाना क्या खाना खा नहीं चुके? नसीमा ने एक लंबी नहीं कही, आप खाना खा चुके हैं, मैंने आपको हाथ से दिया था। डॉक्टर राथर ने हैरत से कहा, कब दिया था? मैं अभी अभी कॉलेज से आ रहा हूँ। नसीमा ने एक जमाई ली, झूठ है, आप तो कॉलेज गए ही नहीं। डॉक्टर राथर ने समझा नसीमा मजाक कर रही है, चुनांचे मुस्कुराया, चलो उठो खाना निकालो, सख्त भूख लगी है। नसीमा ने एक और लंबी नहीं कही, नहीं आप झूठ बोलते, मैंने आपके साथ खाना खाया था, कब? हद हो गई, चलो उठो मजाक ना करो। ये कहकर डॉक्टर राथर ने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा। खुदा की कसम मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नसीमा खिलखिला कर हंसी, चूहे? आप ये चूहे क्यों नहीं खाते? डॉक्टर राथर ने बड़े ताज्जुब से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? नसीमा ने संजीदगी इख्तियार करके अपने माथे पर हाथ रखा और अपने खाविन से कहा, मैं सर में दर्द था मेरे, आपकी दवा की दो खुराकें पी, चूहे बहुत सताते हैं, इनको मारने वाली गोलियां ले आई है, खाना निकालती हूँ खाना। डॉक्टर राथर ने अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहा, तुम सो जाओ, मैं खाना खा चुका हूँ। नसीमा जोर से हंसी, मैंने झूठ तो नहीं कहा था। डॉक्टर राथर ने जब दूसरे कमरे में जाकर मुस्तरिब हालत में जमींदार का ताज़ा पर्चा खोला तो उसको एक खबर की सुर्खी नजर आई, डॉक्टर राथर पर रहमत-ए-खुदावंदी के फूल, डॉक्टर राथर पर रहमत-ए-खुदावंदी के फूल।
उसके नीचे दर्ज था कि पुलिस ने उसको धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम रसूल उर्फ डॉक्टर राठर ने यह खबर पढ़कर यूं महसूस किया कि उस पर रहमत खुदावंदी के फूल बरस रहे हैं। ये अफसाना 25 जुलाई 1950 को शाया हुआ था, यानी जिस साल मैं पैदा हुआ था। कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत, आदाब, नमस्कार।